देखते हुए पन्ना के लिए आज निकल रहे हैं, क्योंकि पन्ना है, अगर आपको नहीं पता तो खजुराहो से भी आगे है, और दतिया से खजुराहो का जो डिस्टेंस है अबाउट टू बी इज़ लाइक 200 something किलोमीटर्स, खजुराहो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो भी एक चीज़ है। एंड इसलिए आज हम अभी सुबह सुबह जल्दी निकल रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं अभी कुछ। एंड अभी हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर खाना अच्छा है। एक्चुअली हमें जाना उधर है, हम यू टर्न लेकर के इधर आए क्योंकि और कोई था नहीं। बढ़िया खाना, बहुत अच्छा है, इसका रश नहीं है, तो थोड़े से इसको टाइम लगता है बनाने में, और हाइजीन एक दो चीज़ें के अलावा बहुत बढ़िया खाना था। तो अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं नेशनल हाईवे 39 पर, जो कि ये नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है झांसी से खजुराहो के लिए, और इससे ये बताते हैं कि झांसी से खजुराहो के लिए पहले लगते थे 6 घंटे और वो अब 2 घंटे में कवर हो सकता है, और 6 लेन है ये, और मतलब सही में अभी नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओके सो हे गाइस, एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग, एंड सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्योंकि आज है 25th of December और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, एंड हमने जो आरती वगैरह था सारा का सारा उसका कर लिया हम तीनों ने। मम्मी जो है 7 बजे उठ करके तैयार हो गई, मम्मी ने पहले वो कर ली, फिर उसके बाद मैंने करा, फिर उसके बाद पापा ने करा, तो अब हम निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पर आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते हो, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता सारा। और या आज हम निकलने वाले हैं ओरछा के लिए या प्रॉबेबली पन्ना के लिए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि आज हम कहाँ के लिए निकलेंगे, मे बी ओरछा के लिए निकलेंगे क्योंकि पन्ना काफ़ी दूर पड़ जाएगा। ऐसा कुछ है, और या फिर हम ओरछा देखते हुए दतिया देखते हुए पन्ना के लिए आज निकल रहे हैं, क्योंकि पन्ना है, अगर आपको नहीं पता तो खजुराहो से भी आगे है, और दतिया से खजुराहो का जो डिस्टेंस है अबाउट टू बी इज़ लाइक 200 something किलोमीटर्स, खजुराहो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो भी एक चीज़ है। एंड इसलिए आज हम अभी सुबह सुबह जल्दी निकल रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं अभी कुछ। ये देखो देखो इसे देखो देखो भाग गए। तो या अब हम निकलने वाले हैं, एंड यहाँ पर कल भोजनालय जैसे मैंने बताया था बंद हो गया था, तो इसलिए कल हमें फ्रूट से ही काम चलाना पड़ा। एंड यहाँ पर शुरू भी 12 बजे से होता है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा जल्दी, एंड हम बीच में कहीं देखेंगे खाने के लिए। सो यार empty hearts and neon lights, they're playing with my mind, gotta get out of here tonight, oh I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home, oh, oh, oh. I hate all this old तो अभी हम यहाँ आए थे, ये कहाँ है इसका नाम, होटल अशोक करके, ये होटल अशोक करके इसका नाम है। एंड अभी हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर खाना अच्छा है। एक्चुअली हमें जाना उधर है, हम यू टर्न लेकर के इधर आए क्योंकि और कोई था नहीं। बढ़िया खाना, बहुत अच्छा है, इसका रश नहीं है, तो थोड़े से इसको टाइम लगता है बनाने में, और हाइजीन एक दो चीज़ें के अलावा बहुत बढ़िया खाना था। हमने ऑर्डर करे थे यहाँ पर गोभी का परांठा, एक आलू प्याज का परांठा सबसे बढ़िया था इसका, और मिक्स वेज परांठा। तो अगर आप बीच में रुकते हो, जैसे अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो मतलब यहाँ से यू टर्न लेकर के आगे से हम यहाँ पर आए हैं, और अगर आप पन्ना से या खजुराहो से आ रहे हो या ओरछा से भी आ रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो। होटल अशोक, देखो यहाँ पर नाम है इसका, होटल अशोक।
तो यहाँ पर हमने ये है और अफोर्डेबल भी काफ़ी है, तो ये आप जल्दी से चलते आगे। तो अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं नेशनल हाईवे 39 पर, जो कि ये नया नया कंसेप्ट हुआ है झांसी से खजुराहो के लिए। और इससे ये बताते हैं कि झांसी से खजुराहो के लिए पहले लगते थे 6 घंटे और वो अब 2 घंटे में कवर हो सकता है। और 6 लेन है ये, और मतलब सही में अभी नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, और टाइम हमारा बच जाएगा इससे। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। वैसे जा रहे थे और बीच में हमको देखो ये नदी मिल गई, बेतवा नदी है ये, इतनी बड़ी है। देखो सामने पूरा फॉग फॉग हो रहा है, हालांकि इतनी साफ नहीं है, गंदी है थोड़ी सी, पर ठीक है यार, व्यू तो अच्छा है इसका। और यही जो है मध्य प्रदेश की बॉर्डर भी है, तो अगर जैसे ये नदी आधी पास हो जाएगी तो मतलब हम मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। वो वाला साइड जो है, जो वाला साइड है वो उत्तर प्रदेश का है, तो क्योंकि झांसी उत्तर प्रदेश में आता है ऑब्वियसली, तो ठीक है चलो चलते हैं आगे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. अभी हम यहाँ बीच में रुके हैं हॉल्ट के लिए, और मैं देखो आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ये देखो ये जो है ना, ये सीमेंटेड रोड है। सीमेंटेड रोड और बिट्यूमिनस, जो हम नॉर्मल उस पर चलते हैं वो बिट्यूमिनस होता है। बिट्यूमिनस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, और ये सीमेंटेड रोड ज़्यादा टाइम तक चलता है, ज़्यादा अच्छा भी होता है सीमेंटेड। तो वो बारिश में सीमेंटेड जहाँ पर होता है, सीमेंटेड इंडिया में प्रॉबेबली वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। एंड उसके अलावा ज़्यादा जगह नहीं हो सकता, और ज़्यादा चलता ही है, जिस लास्ट फॉल डाउन, और ज़्यादा बेटर भी होता है। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी, क्योंकि मतलब अभी तक हमारी जो जर्नी रही है वो इसी रोड पे रही है, एंड ऑनेस्टली ये पहली जर्नी है हमारी सीमेंटेड रोड पे, तो काफ़ी बढ़िया है अभी के लिए। तो
हमारी जर्नी इस रोड के ऊपर, और आई थिंक ये सही में बहुत कम कर दिया इसने टाइम को, हम स्पीड अच्छे से कर पा रहे थे, बीच में कोई गड्ढे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो अभी हम आए थे यहाँ चंदेल फैमिली रेस्टोरेंट पर, एंड ऐसा कुछ है ये दिखने में। और अगर आपको जैसा मतलब ऐसा है कि बाहर का खाना खा खा कर पक चुके हो और प्योर घर का खाना खाना है, प्योर मतलब वही रोटी वगैरह, नो तंदूर रोटी, नथिंग, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है और सस्ता भी काफ़ी था, 348 का था। मैं बता देता हूँ क्या क्या मंगवाया। दाल तड़का मंगवाया जिसमें तेल काफ़ी था, उसके बाद मिक्स वेज की एक सब्ज़ी मंगवाई, और तवा रोटी और चावल, इन सबका सब टोटल 348 हुआ। तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और बाकी अभी आप जैसा देख सकते हो जो हाईवे था ये वही है NH-39, पर ये ख़त्म हो चुका है, मतलब 5-6 किलोमीटर हम आगे आए थे। एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द पास्ट 1 आवर, तो अब चलते हैं जल्दी से पन्ना के लिए।